जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय एग्जाम का महीना है और एग्जाम बस खत्म ही हो चुके हैं। सभी विद्यार्थियों को रिजल्ट की चिंता है और इन दिनों परीक्षा में पास होने के लिए भगवान के दरबार में लिखित फरियाद लगाते नजर आ रहे हैं बच्चे। बता दें आपको कि करीब 300 साल पुराने पोहरी के किला स्थित गणेश मंदिर में मान्यता है कि यहाँ जो भी मनोकामना मांगी जाती है भगवान गणेश जी उसे जरूर पूरा करते हैं। मंदिर के परिक्रमा मार्ग के द्वार पर ज्यादातर परीक्षार्थियों के गुहार से भरी पड़ी रहती है। अधिकांश विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास करने की फरियाद इन दीवारों पर लिख कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फरियाद सिर्फ परीक्षार्थी ही कर रहे होते हैं, नौकरी मांगने वाले भक्तों की भी अच्छी खासी तादाद पर यहाँ भीड़ जमा रहती है। विद्यार्थी कुछ इस तरह गणपति से मांगते हैं मुरादें। वहाँ जाकर ऐसे बोलते हैं, है गणपति महाराज, मैं 10वीं में पास हो जाऊँ आपकी सदैव आभारी रहूंगी। पास होने पर मैं अवश्य ही आऊंगी और 51 रुपए का प्रसाद भी चढ़ाऊंगी। आपको बता दें कि 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाने का एक अलग ही रिवाज है। कुछ छात्र ऐसे भी बोलते हैं, भगवान मेरे मन पढ़ाई में नहीं लगता है, परीक्षा चल रही है और इस बार मुझे पास करवा दो। और जो लोग नौकरी चाहते हैं वो ऐसे बोलते हैं, लगवा दो नौकरी और पुलिस पे लग जाए तो और भी अच्छा है। परीक्षा विद्यार्थियों के अलावा शिक्षित बेरोजगारों युवाओं की फरियाद भी दीवारों पर आपको लिखी हुई दिख जाएंगी। ऐसे बोलते हैं, हे भगवान मेरी अच्छी नौकरी लगवा दे और मैं आपको जरूर ही 51 रुपए का प्रसाद जरूर चढ़ाऊंगा और अच्छी सी जगह मेरा विवाह करवा दे। इस तरह कई अन्य युवक युवताएं भी नौकरी की गुहार लगाते हुए यहाँ नजर आते हैं और ज्यादातर पुलिस और शिक्षक बनने की चाह जरूर रखते हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।